ये क्या, पुलिसकर्मी के पैर छूते हुआ परिवार? ये किसी डर की वजह से या चालान से बचने की जुगाड़ नहीं है, बल्कि कैसे एक अच्छी सलाह किसी भी इंसान को बदलने के लिए काफी है, ये तस्वीरें उस बात की गवाह है। दरअसल ये दृश्य छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर का है। यहाँ पुलिसकर्मी विभव तिवारी के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। उनकी टीम ने दो पहिया और चार पहिया वाहन चालकों को नियम तोड़ने पर गुलाब भेंट करते हुए यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार यातायात सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है और इसी कार्यक्रम के तारतम्य में चेकिंग पॉइंट लगा करके जो भी यातायात नियमों के पालन कर रहे हैं उनको उत्साहवर्धन हेतु गुलाब फूल और चॉकलेट वितरित किया जा रहा है, और जो भी व्यक्ति यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको यातायात का नियमों का पालन करने हेतु लगातार समझाइश दिया जा रहा है। ये तस्वीरें केवल कोरबा शहर की नहीं, बिहार का भागलपुर शहर हो या फिर मध्य प्रदेश का खरगोन शहर, अब नए ट्रेंड के तहत इन शहरों में भी पुलिसकर्मी गांधीगिरी करते हुए वाहन चालकों को समझाइश दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस को देख भागने वाले अब अनूठी पहल के चलते आगे से नियम का पालन करने की गवाही दे रहे हैं। अरे सर, मैं आज बहुत प्रफुल्लित हूँ इस सम्मान के लिए। मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं सभी में यही जागरूकता फैलाना चाहता हूँ कि बिना हेलमेट के नहीं चलना चाहिए। क्या इससे अपने परिवार को भी सुरक्षा मिलती है और अपने को भी सुरक्षा मिलती है। जी हाँ, ये युवा केंद्र जो है इनकी बहुत ही एक सराहनीय पहल है। यातायात का पखवाड़ा भी चल रहा है और इसमें इस तरह का कदम उठाने से बहुत ही अच्छी एक जागरूकता का मैसेज समाज में जाता है। और आज इस तरह से इन्होंने हमारे साथ मिलकर जो लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, हेलमेट लगा के गाड़ी चला रहे हैं या सीट बेल्ट पहन के वाहन चला रहे हैं, उनको आज फूल देकर सम्मानित किया है, समझाइश भी दी है। और जो लोग इनका पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें भी समझाया गया कि भाई आपके जीवन के लिए अति आवश्यक है, इन सब चीज़ों को अपनाएं। समाज जन जागरूक हो जाएंगे और ये यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम मृत्यु के जो आंकड़े हैं उनका हम कम कर पाएंगे। दरअसल संजय दत्त की मुन्ना भाई MBBS फिल्म के बाद गांधीगिरी का ट्रेंड शुरू हो गया था। कुछ बरस से देश भर में पुलिस भी यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए इस तरह की गांधीगिरी का सहारा ले रही है, जिससे सड़क हादसों को कम किया जा सके।